तो रंडा वाला कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगे बहुत बढ़िया मतलब बता रहा ना मैंने दोबारा सोच ही नहीं एक बार भी मैंने गंगू भाई देखी थी तो मैं उससे बड़ी इंस्पायर थी सोच एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था जो को उठा लूंगा यार काफी सी लग रही थी मेरे को <laughs> लेकिन में बंद कर दिया तो भारी होगी

डिप्टी सी एम की चट्राला इलेक्शन लड़ रही है ठीक है वो तो एक लेडीज है लुगाई है नारी है वो तो समझ सके इस पीड़ा ने उसने आपका बरवाड़ा में दफ्तर उसका उस कतलखाना में खोल रखा है पाँच दस साल से हमारे वोट लूटते रहे इस हरियाणा का मुख्यमंत्री जो खुद सिंगल हो के अब क्या शब्द सबदर तू कितना बेशरम आदमी होएगा वो हमारा दर्द नहीं समझ सकता वो हरियाणा क्या समझेगा और उनने तो सबसे ज्यादा समझा क्यों नहीं समझे सर हजारों बार उनके सामने ये समस्या रख दी मतलब मेरे को नहीं लगा कि इस धरती में इससे कोई बेसम ज्यादा आदमी मिलेगा चलो अब तुम्हारा पिंडा छुटा दो ग्रुप हैं मतलब एक तो फ्रेशर हो गए मतलब जिसका सुते कौन बैठे एक जिसका थोड़ा बहुत सूत बैठे मर गया बैज गई तो मतलब दोनों सारा भाईचारा हमारा सबका सतीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी फिल्म आन लाग रही है रंडा राम ठीक कि ये जो स्टोरी है जो आपके डायरेक्टर डायरेक्टर क्रिएटिव स्टेज ऐप के के वो राइटर भी हैं इस फिल्म के। ना, नाम जब आप आपको तो कहानी सुनाई गई तो आपने कहानी किसा लगे सबसे तो पहले एक डायरेक्टर होता है ना उसके माइंड में अपने कैरेक्टर के लिए पहले बनी होती छवि की मेरा जो एक्टर है ना तो मेरा मेरा लीड है या जो भी है हुँ. वो यार ऐसा दिखता होगा तो भाई मैंने ऐसा ही चाहिए नहीं मिलता है तो फिर एक अलग बात है अगर करना भी पड़ता है कहीं कहीं पे भाई समझौता तो करना ही पड़ता है ज़िंदगी में हर जगह करना पड़ता है लेकिन हर कोई डायरेक्टर ये जाता है यार ऐसा मिले तो उसने मेरे को देखा भाई लुक देख के यार उन्होंने सोची यार भाई मैंने तो यही चाहिए है उसने फाइनल कर दिया उसका फ़ोन आया मेरे पास उसने नहीं किया दरअसल उसका जो एक असिस्टेंट था हाँ ए उसका फ़ोन आया दीपक नाम है भाई उसका <laughs> बढ़िया बहुत अच्छा बंदा है हाँ जरूर तो बोला सर सतीश बात कर मैंने कहा बोला सर हम एक फिल्म बना रहे हैं हरियाणा में स्टेज के लिए मनोज भाई कर रहे हैं मैंने कहा यार भाई मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ यार एक्चुअली ना उस समय हमारा कुछ काम वाम से चल रहा था घर पर उसने करने लाग रहे थे तो बस थोड़ा सा मैंने एक बार तो मना कर दी मैंने ना यार मैं स्टोरी ना सुन के आपने नहीं स्टोरी नहीं सुनी थी तो अच्छा, अच्छा अच्छा पहले प्रोजेक्ट उन्होंने तो... कहा भाई हम शूट करना चाह रहे हैं फिल्म के लिए हरियाणवी स्टेज पे अच्छा मैंने कहा यार भाई मैं अभी थोड़ा सा नया करना चाह रहा हूँ मैं मुंबई से आया था मुंबई से वापस आया था मैं बोला सर आप एक बार हमारी स्क्रिप्ट पढ़ लो वो फिर मनोज का फोन आया सर मैंने आपको जो है पी कर दिया है स्क्रिप्ट भेज दिया है भाई मैंने भाई मैंने पढ़ी वो स्क्रिप्ट मतलब पढ़ते पढ़ते ही मेरे को अंदाजा हो गया भाई यो फिल्म मैंने करनी है मैंने तुरंत वापस कॉल भाई दोनों गाने भाई यो फिल्म तो मैं कर रहा हूँ ये बताओ तुम शूटिंग चालू कर रहे हो तो आप स्टोरी खुद ने पढ़ी थी हाँ मैंने खुद पढ़ी तो रंडाला वाला कॉन्सेप्ट आपने इंटरेस्टिंग लगे बहुत बढ़िया मतलब बता रहा ना मैंने दोबारा सोच ही एक बार भी तो नहीं था ना ना

कुछ तो अलग दिखना चाहिए यार अलग है ये बंदा हालांकि हमारे समाज में मिल जाएंगे ऐसे बहुत से बंदे मिल जाएंगे बेचारे मतलब जो अलग थलग हैं लेकिन अब एक फिर मैंने ये सोचा कैसे प्ले करूँ मैं कैसे करूँ उसको प्ले भाई तो मेरे से मैच करा रहा था मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने खुद को प्ले किया बस मैंने एक थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन किया कि एक रांडे की जिंदगी भाई वो दुख और ऐड करना पड़ा मेरे को मेरे को पाँच छः दिन लगातार मनोज भाई बता देंगे आप पूछ लेना उनसे मैं पाँच छः दिन उसी जोन में रहा मैं मतलब ना कोई जोकबाजी वो कहते थे उसके बाद में मिले यार, तो बड़े मैंने यार, वो जोन था, एक भाई, रहना जरूरी था उसमें आप तो आप जब सबसे पहले स्टोरी सुनाई गई सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पर आपकी प्रोफाइल पब्लिक को नहीं हाँ जी सर जब मैंने फिल्म देखी ना तो मेरे दिमाग में ये होता जब आपका फेस एक्सपोज है ना एक सीन में तो पहला थॉट मेरा मेरा था यार ये तो शायद तो कोई इन्फ्लुएंसर होंगी ठीक है ठीक है या फिर गाना में कोई मॉडल रही होंगी लेकिन मैं गलत था इन मत आप कुछ भी ना थे तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए वैसे मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तो अच्छा। मैं थिएटर करती हूँ ठीक है तो मूवी में मतलब कभी मैंने दिल तो था बहुत ज़्यादा पर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी फिर हमने अभी वो भी स्टेज ऐप ही आने वाली है इकतीस मई को जिद मूवी है उसका नाम तो वहाँ से मुझे पता लगा कि अच्छा ऐसे मूवी है तो एक संगीता मैम है जो मेरी मदर का रोल प्ले किया उन्होंने उस मूवी में अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि आरजू मतलब ऐसे ऐसे मूवी है और उस रोल के लिए तुम फिट जा रही हो तो मनोज सर ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया तो मनोज सर ने मुझे बताया कि ये ये है मूवी उन्होंने नरेट की तो मैंने कहा कि ठीक है बट मैं पढ़ना चाहूँगी पहले इसे आप मुझे स्क्रिप्ट अगर भेज दें तो तो अभी मैं हाँ कर पाऊंगी तो फिर मैंने उसको रीड किया एक दो बारी तो पहले तो मुझे लगा कि हाँ एक है थोड़ा सा रोल एक मेरे हाँ मतलब मेरे जैसी मैं हूँ उससे थोड़ा सा अलग है मतलब उसमें थोड़ा सा बोल्ड शो करना है आपको मतलब मैं अभी तक थोड़ा सा थिएटर में जो भी रोल किए थोड़े ऐसे सहजता वाले तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रोस्टिट्यूट का रोल है तो थोड़ा सा दिखाना था बट मैंने गंगू बाई देखी थी तो मैं उससे बड़ी इंस्पायर थी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था तो फिर मुझे बड़ा ऐसे मेरे माइंड में भी आया कि यार ऐसा ऐसा रोल मिलना चाहिए

एक सीन है कि जब ये बेहोश जाती है होटल के अंदर अब रान्डा तो घबरा गया ना वो क्या स्पोले स्पोले। हाँ चुपाँ, हाँ चुपाँ। <laughs> एक है ना नहीं ठीक है तो उसमें एक सीन था के भाई वो क्या होगा वो तो एक अलग बात की बात है कि उनको कट्टे में बंद करता है वो डेड बॉडी को डायरेक्टर बोले भाई ऐसा करो आप इसके अंदर कुछ कपड़े वपड़े ऐसे भर दो बाद में जब वो दिखा देंगे आरजू को आरजू बोले नहीं मेरे को ही बंद करो भाई यार देखो गर्मी का टाइम है आप आपको बंद कर देंगे ऊपर से सब कुछ बंद कर देंगे मान लो यार कि सच में है ना वो लड़का तो लड़की, तो लड़की बहुत कॉन्शियस होती है मेकअप खराब हो जाएगा बाल खराब हो जाएगा लेकिन आरजू की मैं मतलब बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इनको बंद किया बार 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 और फिर उसके बाद में देखो अच्छा आप आरजू की तारीफ कर रहे हो बहुत अच्छा मैंने भी तो उठाया सच में आरजू को ना वेट कितना सही बात है है तो नहीं, नहीं मजाक नहीं रियल में सच में अब बार बार उठाना है कट हो गया फिर उठाना है भाई सच में हार तो गया था लेकिन भोल कैसे दोगे तो हार गया भाई मैं पर क्यों सतीश जी आपने ऐसा मतलब ऐसा क्यूँ कर जरूरत थी आप चाहते तो सबसे सब पहली बात तो यही थी कि आरजू ने कहा कि नहीं मैं रियल में मेरे को करो ना ऐसे अच्छा नहीं लगता आपकी चॉइस थोड़ी है मेरे की ना लगा ना वो मैं दिखता है ना मैथड एक्टिंग करती होंगी हम भी मैथड एक्टर बन गए भाई आरशो के साथ सच में उठाया तो बहुत अच्छा मतलब और बस अच्छा एक्चुअली मेरे को अच्छा लगा कि एज एन एक्टर भाई एक्ट्रेस जो है में फुल करेक्टर करेक्टर में में आप सच में प्ले करना चाहते हैं चाह। <laughs> नहीं, नहीं, बाहर है, हाँ. है और पसीना आ रखा है आपका मतलब आई लाइनर आई मेकअप पूरा वो रखा है हाँ. तो मैं चाह रही थी की वो नेचुरल आए की वो पसीना नेचुरल एक्सप्रेशन ना क्योंकि वजन ठाते भाई आपके जो हाँ हाँ चेहरा देखो हम ये भी है ना लिमिटेड स्पेस मिलता है आपको इधर से ही निकलना है इधर से ही निकलना है तो बहुत जोर पड़ता है भाई एक्चुअली सच बता रहा हूँ मैं नहीं एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था आर जो को उठा लूंगा यार काफी हालांकि से लग रही थी मेरे को ये <laughs> लेकिन जब कट्टे में बंद कर दिया तो भारी होगी भी अब <laughs> उठाना फिर उसको कैरी करना अंदर तक ले जाना मतलब आपका एक सीन था जब आप रात में गाडी चला कर ले जाओ जब आर जो आपने मिले होड़े और जब वो गाडी का अंदर एंटर हुआ तो वो जो वो मोमेंट था ना और हम फिल्म देखने लाग रहे थे तो नर्वसनेस आप में नहीं थी मार में भी थी वो फील फील दे रहा था वो सीन कि यार कितनी बुढ़ी नर्वसनेस हो रही है अभी की करना चीज़ बंदन है और जो जो क्यों है कि इसे जो इमोशन्स हो बहुत पेचीदा हो हैं कि आप ना तो बिल्कुल कम कर सकती ना बहुत ज्यादा कर सकती एक बैलेंस रखना पड़े वो बैलेंस आपका चेहरा था शायद तो आपके रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा बताओ मैं ना एक्चुअली आप मैंने स्टार्टिंग में भिड़ते ही जो ये बात बताई थी शुरू में जो आप थे हाँ कि मैं मतलब काफ़ी रिजर्व किस्म का बंदा हूँ और लड़कियों से खास तौर से मैं मतलब बहुत गाँव का हूँ ना मेरे जो पैदाइश है स्टार्टिंग से गांव से हुई है शहरों में तो न फ्रेंक होते हैं लड़के लड़के आपस में बातचीत कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है हाँ। हम लोगों को एक गांव वालों को एक वो होता है यार बात करने में अनकंफर्टेबल महसूस करना फिर आरजू की एज वगैरह भी देख के और भाई आरजू और मेरा तो मैं वाकई में सच में अपने आप को प्ले कर रहा था और वो एक्सपीरियंस आपको आपको जो लगे भाई वो सच में वही था ओ भाई साहब अच्छा ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक था वो जो कुछ भी था और रियल था वो आपने एफर्ट ना लगाने पड़े मतलब ऐसा मैंने पता है ना मैंने बहुत सी चीजें ऐसी लग रही थी मेरे अंदर खुद ही है वो सब चीजें तो वो एफर्ट की जरूरत पड़ी नहीं आप मुंबई काम करके आए थे या फिर मुंबई तो सीखी नहीं सीखा तो मैंने दिल्ली से था दरअसल दिल्ली बैरिजॉन तो सीखा था मैंने बैरिजॉन एक्शन छूट एक दिल्ली जहाँ शाहरुख वारुख लिख रहे हैं सारे मनोज वाजपेयी वगैरह तो 2019 से स्टार्ट किया मैंने एक्चुअली उससे पहले थिएटर वगैरह मैंने किया 2019 में मेरे को फिल्म मिली था वाइट टाइगर नेटफ्लिक्स की हॉलीवुड फिल्म में राजकुमार राव प्रियंका चोपड़ा और आदर्श गौरव ने टाइगर नेटफ्लिक्स आदर्श गौरव छोटा रहता है गाँव की स्टोरी उसका बाप रिक्शा चलाता है वो मैं बनाऊँ सतीश आप देख आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी ये तो है जाके जरूर देखा ठीक है, है तो हाँ। तो उसका प्रीमियर तो अमेरिका में हुआ था रमीन डायरेक्टर थे रमीन बहरानी ईरानी है अमेरिका में रहते हैं उन्होंने किया था तो फिल्म बहुत अच्छी थी ऑस्कर फाइव पे लग गई थी हालांकि ऑस्कर जीत नहीं भाई हम चाहते थे जीत जाए नॉमिनेट तो नॉमिनेट और लास्ट फाइव में, में पहुंची थी अरे वाह लास्ट अरेव में ठीक है आदर्श गौरव को तो बहुत पहचान मिली सबको बहुत पहचान मिली लेकिन हमें किसी ने नहीं, नहीं पूछा कोई बात नहीं है फिर उसके बाद में काम इधर छोटा मोटा में छोटा था आपका उसमें मतलब काफी रोल था मेरा प्राइमरी कैरेक्टर था मेरा हालांकि एडिटिंग में निकाल आ गया है फिर भी बहुत बचा हुआ है हॉलीवुड फिल्म देखते ना आप शूट थिएटर रिलीज थी वो फिल्म थिएटर रिलीज थी उसके बाद थिएटर रिलीज होने के बाद पहले अमेरिका में हुई फिर इंडिया में हुई और उसके बाद में कोरोना लग गया 2020 में रिलीज हुई थी कोरोना लग गया मार्च से बंद हो गया सब कुछ और भाई लोग बागो तक इतनी पहुँच नहीं पाई फिल्म या फिर पता नहीं मतलब हमें नहीं मुझे तो कुछ लोगों ने पहचाना बाकी कोई आपको नहीं पता अभी तक ऑनेस्टली है ना नहीं हालांकि तो मैंने सोचा था कि अब तो भाई काम मिलेगा अच्छा पड़ा तो फिर उसके बाद में यही है मैं फिर भाई कोरोना लग गया मैं चाहता था मुंबई जाऊँ फिल्मी और और भी कई आदिल हुसैन सर के साथ काम किया वो भी आदिल हुसैन में हुआ हाँ बताओ थोड़ा सीन ट्वेल्थ फेल का सीन है एक वो दोनों भाई आते हैं विक्रांत मैसी और उसका बड़ा भाई कमलेश वो जुगाड़ लेके आते हैं तो जो एम है उसकी बस खड़ी है उसका कंडक्टर खड़ा होता है कि भाई तुम्हारा जो गाड़ी से आगे नहीं जाएगा तो कमलेश की और उसकी फाइट होती है वो सीन है तो मेरे को कई लोगों ने तो थिएटर से डायरेक्ट कॉल किया भाई मैं वाइट वो देख रहा हूँ फेल फेल तू कहाँ से आ गया यार <laughs> मैंने कहाँ से आ गया भाई काम किया यार मैंने? <laughs> तो उसके अलावा अभी एक और आने वाली इमरजेंसी आने वाली कंगना रणवत की

एक एक प्रेशर होता है ना जब दिमाग में ऐप ने तो आपको जवाब नहीं दिया है अरे नहीं मैं एक्चुअली सच रहा है। कोई पहले पूरे को जो मल्टीपल एक्टर स्टेज ऐप की जवाब दिया कर तो <laughs> ना, ना, ना ऐसा कुछ नहीं है मतलब <laughs> मनोज भाई थे दीपक थे आरजू है सोनू सिलन भाई ने भी हमारे छोटा सा काम किया था लव कुश कुंडू है

ठीक है पीएचडी की इसके बाद मतलब इसी तो हैं बड़े हाँ जी। okay, स्टेज एप, आप कुछ बड़ा ऑफर कर दे किसने ना फेरा मतलब कि, <laughs> तो किसी ने फेरा ईश्वर की कृपा अब किसी ने खबर किसी ने नहीं पता ईश्वर ब्रैकेट स्टेज ऐप <laughs> 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 तो रांडा सब तो पहले जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना रांडा यूट्यूब पे तो दो चीज आया कर एक तो आओगी गुलजार छानी वाला गाना

कि मतलब लोगों ने पता नहीं क्या यू बना लिया रा, रांडा रांडा भी तो आदमी है आदमी नहीं होता रांडा शादी शुदा तो लोग लो हैं आप जितना रिस्पेक्ट उनको दे रहे हो भाई रांडा क्यों नहीं दे रहे अगर आपकी सोच ही है कि सिर्फ एक मैरिज ही सब कुछ है तो क्या है ये सही बात हाँ और बाकी मूवी है कि हाँ उसकी देखनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल और कि आपको फीलिंग जैसा मतलब वो इंसान है तो किस हिसाब से वो फील करता है उस टाइम और फिर फिल्म सिर्फ रतनी भाई <laughs> <laughs> ये स्पेशल है। तो नहीं, नहीं तो भी बहुत नहीं। भी है। तो आप इसे जरूर देखें रामपाल आपने हर गांव में कहने का मतलब हरियाणा <laughs> में रामफल रामा तो रामपाल भी जरूर कहीं ना कहीं आपने दिख जाएगा ये तीन आदमी जरूर मिलेंगे आप देखो आपने पसंद आओगी पक्की गारंटी है हमारी अर्जु एक बार आप बैठ गए ना देखने तो उठोगे नहीं बीच में पूरी देख के उठोगे प्रॉमिस है और अच्छी लगेगी आपको तो जाओ भाई आज ही डाउनलोड करो स्टेज है और देखो और देखो हमारी फिल्म रंडा रामगढ़ राम राम जी राम राम, राम, राम।, राम, राम। तो राम, राम। जी वीरेंद्र जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है वीक सिनेमा पे थैंक यू सर आपने तो खैर नो इंट्रोडक्शन आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम अपनी ऑडियंस दे देंगे। दे। तो वीरेंद्र जी आप जो है रांडा यूनियन के हैं। मैं आप तो मैंने में नहीं चीज़ थी। मतलब मन इस बारे में सुना ना था आ, तो मेरी, बेसिकली रहा। मेरी भी नहीं थी आपका भी नहीं था अच्छा किसान आंदोलन में पता लगा था मेरे को ठीक है जब रवि किसान आंदोलन रवि आज़ाद जो भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष है तो उन्होंने वो वो यूज़ तो करा था मुख्यमंत्री के लिए उरांडा शब्द कुकर थोड़ा बताओ जब के किसान ने जो आंदोलन था साढ़े बारह महीने चले दिल्ली बॉर्डर पर बीस बाईस लाख की संख्या में लोग बैठे थे, 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 थे वहाँ पे तो उस टाइम मैं, मैं मेरी ग्राउंड ड्यूटी थी पंचायतों की मैं इनके गाँव में भी पंचायत में गया हूँ तो पैंसठ सत्तर पंचायतें लगभग अटेंड करी थी तो किसी पंचायत में रवि आज़ाद ने रांडा शब्द यूज करा था वो खट्टर के लिए अच्छा और उस टाइम में जो हमारे किसान नेता थे उनके तेवर थोड़े उग्र थे सरकार के प्रति तो वो थोड़े अग्रेसिव हो गए कुछ मतलब रांडा शब्द के साथ कुछ शब्द यूज़ करे उन्होंने तो वो वीरेंद्र को पता लग गया उसको आजकल सोशल मीडिया पर सब आ जाता है इसकी और रवि आज़ाद जी की बात हुई फिर उसी को लेकर के फिर तीन दिन बाद इनकी मुलाकात हुई तब रवि आज़ाद को पता लगा और रवि आजाद ने मेरे को बताया कि हरियाणा में रांडा यूनियन भी है और पूरी यूनियन किसान आंदोलन के साथ खड़ी थी ओ भाई <laughs> वाह <laughs> तो मेरे लिए भी नई बात थी ठीक है जी तो वीरेंद्र जी आ, द, आप थोड़ा रांडा यूनियन का बारे में बताओ थोड़ा इन ये जी मतलब हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या है हरियाणा क्या उत्तर भारत की बहुत बड़ी समस्या है ठीक है जैसे हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश राजस्थान यहाँ इसकी यही मेन समस्या तो यही है कि जैसे लड़कियों की कमी हाँ ठीक है एक बेरोज़गारी पूर्ण हत्या और आर, काफ़ी कारण हैं आर्थिक कमजोरी मतलब गरीबी इसी कारण से मतलब बहुत लोग बिना शादी के रह जाते हैं तो मतलब काफ़ी लोग मिलते हैं जैसे मैं बाहर जॉब करने के लिए गया तो उन्होंने मैं बोला भाई ठीक है जॉब रख लेते हैं भाई आपको इंटरव्यू कर लिया सारी बात होगी तो कहीं मैंने रूम के लिए बोला भाई मेरे को रूम दिला दो तो रूम रु, के लिए जहाँ जहाँ गया उन्होंने बोला भैया नहीं हम सिंगल को रूम नहीं देते बड़ी बड़ी बाद बड़ी में सात आठ दिन बड़ी के बड़ी बाद बड़ी उस कंपनी ने भी मतलब मेरे को नौकरी से निकाल दिया रूम ही नहीं मिलेगा तो फिर रहेगा कहाँ क्या फायदा इस चीज़ का नहीं ये तो प्रैक्टिकल है भाई छोटे भाई के जो इनकी ये यूनियन बनकर और जो वीरेंद्र भाई की अगुवाई में बन गया मान लीजिए सिर्फ उनके अध्यक्ष ही नहीं है संयोजक भी यही है वो अच्छा पूरे उत्तरी भारत में लगभग कोशिश करके इन्होंने रजिस्टर्ड सवा लाख से ऊपर इनके मेंबर हैं और अभी वो बढ़ रहे हैं दिन बे दिन तो आप इन समस्या लाग रही थी उस टाइम फिर फिर आप अगला कदम उठाया फिर आपने कदम तो यही है जी अपने गाँव आगे भी चलो कुछ तो करते हैं हमारे को भी तो पेट कैसे भरे मतलब गांव में कहीं काम पे जाए तो वो सारा दिन गालियां देते हैं मतलब लोग चिड़ाते हैं उन शब्दों को ले लेके रंडा बोलते रंडवा बोलते हैं कोई कुछ बोलता है पैसे के लिए क्या करेगा अब एक देखो हर जीव की एक प्रवृत्ति होती है जैसे एक छोटी सी कीड़ी है एक पंडित जी की रागनी है पुरानी के कीड़ी कण बिन हाथी मण बिन दुखी पर है एक कीड़ी को एक ही कण चाहिए लेकिन एक कण के लिए वो चौबीस घंटे चक्कर मारती रहती है अड़गत अड़गी तो वह भी कौन बैठती तो ये तो जीव की प्रवृत्ति जब तक स्वस्थ था तब तक कुछ ना कुछ कमाना पड़े तो पड़ेगा तो ये अपने कर्म लाग रहे हैं लेकिन समाज में जो नेगेटिविटी है ये वीरेंद्र भाई का और ये सिर्फ इनका नहीं है ये ऑल ओवर रांडा यूनियन की ही तकलीफ है भाई अभी ये जो यूनियन है किस सतर्क तक पहुंच पाई है कितनी अवेयरनेस लोग तक पहुँच ली है कितने लोग आप जोड़ पाए हो इसमें हम दस साल से प्रयास कर रहे हैं जी जब से हमारे साथ मतलब इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आई हाँ. तो उस समय से हमने सोचा चलो भाई कुछ प्रयास करते हैं लोगों को इकट्ठा करके सरकार से कुछ मांगे मानते हैं अच्छा. अब जैसे गांव में रहते हैं चलो ठीक है सिंगल है भाई अपना खाना अपना सब कुछ अपना आप करना पड़ता है समस्या तो तब आती है जब चलो किसी चीज़ के लिए पड़ोसी से मांगने के लिए जाते हैं कोई कुछ नहीं देता ठीक है मांगने जा गेट बंद कर लेते हैं और तो हरियाणा का तो प्रसिद्ध पेल अस्सी है वो हमारे को, को तो कोई वो भी निकालता और कोई शादी वगैरह में मतलब एक आपसी प्यार प्रेम होता है नोता वगैरह देते हैं हमारे को तो वहाँ भी नहीं लेके जाता और वैसे इनको तो चूल्हा चाहिए क्योंकि एक लाइन जाना है जिसके घर सब कुछ उसको खिलाने का एक तो जैसे हरियाणा के बड़े फेमस कलाकार बड़े आदरणीय रामेर सिंह जी ठीक है और रामे रामेरांडा के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल। थे। उनके ऊपर नाटक आते थे और बड़े बहकमाल नाटक आते थे उनके और उस कॉमेडी करते थे पूर, पूरी उसमें उनका जो भी वो नाटक आता था पैंतीस चालीस मिनट का तो वहाँ के सोनाटक के प्रोड्यूसर हमको बताया जब मैं राजू पंजाब रिकॉर्डिंग करते थे दो हजार पाँच में तो वहाँ हंसराज जी हमको बताते थे कि वो कभी लिख के को लिया करता वो एक बस की टिकट के ऊपर पूरा नाटक लिखते थे ओ भाई साहब रियल बात है हाँ और फिर सभी पात्रों को खड़ा करके बितना तेरा यो करैक्टर है तेरा यो है तेरा यो है मैं यहाँ से स्टार्ट करें आगे बढ़ाते हैं इसको वो खड़े खड़े पूरा नाटक कर देते थे लेकिन जब एक लेवल तक चले वो और अभी वो जगराता लाइन में है जागरण करते हैं भगवान के और वो जागरण में खड़ा होकर इसी बात को पॉजिटिवली जब पेश करते हैं कि आपने हमारा आपने राना दर्द नहीं समझा आपने सिर्फ उसको के समझा मजाक का पत्र समझ लिया अगर हरियाणा के अंदर भूर्ण हत्या नहीं हो रही होती तो रम रंड़ा रंड़ा तो तो ने बनने की क्या जरूरत है? है, है। और गैप तकलीफ देता ही है। तो वो खाली शादी ना थी, किते किते सच्चाई भी थी। जी। के भाई हुई नहीं, बिल्कुल जी आप इसमें आप खुद कदम ना बढ़ा रहे क्योंकि आप इस यूनियन के प्रेसिडेंट हो या फिर कुछ और कारण है मतलब शादी की मेरी उम्र थोड़ी शादी की अब मैं 43 ईयर

उससे थोड़ा सा आगे चले जाओ आप गुजरात का अलग से है महाराष्ट्र का अलग से है तमिलनाडु का अलग से है जो जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज को तो आप सही मानते हैं उसी समाज के नियमों को बचपन से वही तो देख रहे हैं वही हमारी मेंटलिटी है तो हमारा समाज जैसे जैसे वीरेंद्र ने बताया हमारे समाज में आप वैसे तो लड़कियाँ पैंतीस चालीस की उम्र में शादी करती हैं ये फिल्मों वाली करती है वैसे तो नॉर्मल बात है लेकिन गांव में कोई लड़की पैंतीस चालीस साल तक कुम्हारी थोड़ी रह जाएगी आज नहीं रह सकती आप जिस समाज में रहते हो ये ये ढकोसला नहीं है आप पढ़ लिख के पढ़ लिख गए हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप समाज का जो सिस्टम है उसको अक्स विकस्त कर दोगे आप समाज के खिलाफ नहीं चल सकते क्योंकि उसी समाज में आपको रहना है अगर वो समाज के नियम अपना अच्छे नहीं लगे तो आप अपना अलग से समाज बना लो भाई सिंपल सी बात है अपने समाज में क्या कोई लड़की पैंतीस चालीस साल तक कुमारी रह सकती है नहीं रहेगी मे मेरी खुद की शादी साढ़े साल में हो गई थी भाई साढ़े साल की उम्र मेरी शादी की के लायक जब उम्र हुई मैं मैं एक लड़के का बाप बन गया था तो अपना जो एक है लड़के की उम्र है जैसे इसने कहा कि बीस बाईस सताइस अट्ठाईस उसके बाद तो बोलेंगे ओवरेज बिचोला भी, भी वो नहीं दिखाएगा गया नहीं बोला ना यार छोरा तीस बत्तीस का हो रहा नहीं रहने दे वो फलाना छोरा देख ले वो ठीक है उम्र ठीक है उसकी बिचोला ही नहीं लेके जाता ਰਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਪ ਨੇ ਵੀ ਰਸੇ ਐਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਛੋਰੀ ਆਗਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਛੋਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਲੋਗਿਆ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਮੇ ਔਰ ਕੇ ਇਸਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਕਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਲ ਮੰਨਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੋਚ ਮੰਨੂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ जो एक तरह से इनकी अपनी कम्युनिटी ला लो ये है ना उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पे भी पेपरसराइज करके ये उन्होंने लागू करवाया समाज की धारणा यूनिटी से बदलती है पहली बात दूसरी बात या फिर कोई बहुत भो, बड़ा जिसको कहते दार्शनिक वो बदलता है इसी समाज में जिस समाज में आप आराम से आज बात कर रहे हैं इसी समाज में सती प्रथा थी आज है नहीं है नहीं है सती प्रथा थी थी। इसी समाज में बाल विवाह था आज है नहीं, नहीं है दान सरस्वती जैसे महान विद्वानों ने इसका विरोध किया समाज के समझ में आई वो चीज़ तो लोगों ने वो बुराई त्याग दी सती प्रथा छोड़ दी बाल विवाह छोड़ दिया यहाँ तक तो शायद मेरे विचार से दहेज दा, का कोई एक आधा मामला आजकल आता हुआ हैं, ये केसेस तो है हैं बड़ा कुछ बड़ा। हैं पहले जितने नहीं हैं मेरे एरिया में तो बिल्कुल नहीं है अपने देखे हैं वैसे पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी दो चार वायरल हुए हैं ऐसे कुछ तो आप सरकार थे आपने पेंशन खातर अपील करी तो उस उसने लेके फिर सरकार का की पेंशन के लिए मांग नहीं की थी ये हमारी मांग ये है कि भी जो हमारे योग्यता के अनुसार जिन भाइयों में हमारे अंदर योग्यता है ठीक है तुम पचास सात साठ साठ अस्सी अस्सी हज़ार में कर्मचारी रखते हो हमारे को पाँच सात आठ दस हज़ार में रख लो हम उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे ठीक अच्छा। है हमारा भी जीवन यापन में सुधार हो भी मुख्य धारा में जुड़े ठीक वो तो उन लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर सकते अनपढ़ हैं या ठीक है उनको कुछ सहायता मिल सके उनका भी जीवन यापन हो सके वो भी समाज की मुख्य धारा में लौट सके इस अपमान से मतलब उनको कुछ राहत मिले ये तो सारी उन्होंने मतलब ठीक है प्रेसर डाल के मतलब हमारी बात हुई थी कैप्टन अभिमन्यू जी से उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रयास किया और उन्हीं के दबाव में ही उन्हीं के प्रयासों से ही हमारी पेंशन की घोषणा हुई लेकिन मिली कहाँ एक साल हो गया ऐसे ही बेकूप बनाते वोट घोषणा हुई है सिर्फ घोषणा वो एक एक दो, दो का मतलब ऑनलाइन है मैं अभी भी देख रहा था सबकी फोन में किसी गांव में एक शो करती किसी में दो करती किसी को मिली तो नहीं दुख की बात तो यही है ठीक है हमारे पाँच दस साल से हमारे वोट लूटते रहे इस हरियाणा का मुख्यमंत्री जो खुद सिंगल हो के अब क्या शब्द सबदूम कितना बेसरम आदमी होएगा वो हमारा दर्द नहीं समझ सकता वो हरियाणा क्या समझेगा और उनने तो सब तो ज्यादा समझ क्यों नहीं सर हजारों बार उनके सामने ये समस्या रख दी मतलब मेरे को नहीं लगा कि इस धरती पर इससे कोई बेसरम ज्यादा आदमी मिलेगा चलो अब तुम्हारा पिंडा छुटिया समाधान तो फिर भी ना मिला चलो समाधान तो करवा लेंगे सर नहीं भी होएगा तो कोई बड़ी बात नहीं समाधान लड़ते रहेंगे ऐसी कोई बात नहीं समाधान तो होगा अगर एक नहीं कर रहा है तो फिर दूसरे से उम्मीद तो हो जाती है ना से एक से तो नहीं कर रहा है वो तो कर ही नहीं रहा था तो दूसरे से उम्मीद तो कर सकते हैं वो समाधान तो एक सर मानवाधिकार आयोग भी है सब कुछ है कोर्टे भी हम हर जगह लड़ रहे हैं लेकिन समस्या तो ये नहीं है बेशरम किसी की सुन ही नहीं रहे अरे मेरे को तो लगता है हरियाणा में तो मानवाधिकार आयोग नाम की भी कोई चीज़ नहीं बची है बार बार संज्ञान में मामला आने के बाद कुछ तो सोचना चाहिए अरे वही बात है सबसे बड़ी समस्या तो यही सर कोई हमारे ऊपर बात ही नहीं करना चाहता ठीक है चलो ये तो हमारी तो मांग सिर्फ पेट तक की है हम फिजिकल नीड तक भी जाएंगे हम इंसान नहीं है सही बात है हमारी जरूरत तो नहीं है कहाँ जाए बताओ सच्चाई है विचार करना चाहिए हमारी बातों पर अच्छा आपने जब ये यूनियन की शुरुआत करी तो इतनी आसान तो ना रही होगी क्योंकि आसान नहीं सबसे बड़ी समस्या यही है जी हमारी कि ठीक है जो हमारा बंदा है हम मानते हैं मतलब चालीस साल के बाद बंदा रिजेक्ट हो जाता है उसमें कुछ नहीं बचता संभावना है जीरो वो मतलब इतना बाद में इतना ख़त्म हो जाता टूट जाता कि फिर वो नशे का सारा लेने लग जाता है बस ठीक है और तो कोई है नहीं भाई अपने ठेका सही है उस यही तो समस्या है जोड़ने में कितनी समस्या है मैं दस बंदे तो जोड़ लूँगा ठीक है उनका नंबर ले लूँगा वो तीसरे दिन वो मोबाइल बेच के दारू पी जाएंगे इकट्ठे नहीं हो सकते वो बस वो नशे के आदि हो चुके सारे कोई फिर मजबूरी में ट्रकों में भाग जाता कोई कहीं चला जाता कोई कहीं चला जाता ये तो देखो ये ये प्रैक्टिकल मैं गाँव में रहूँ आज भी और गाँव की जो भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें अगवाई से रहता हूँ तो ये प्रैक्टिकल है कि जो इनकी जो रंडा कम्युनिटी है वो एकाद को छोड़ गए बाकी वो मंदिर का रास्ता नहीं पकड़ते वो ठेका क्या पकड़ते हैं रियल बात है मंदिर का तो कोई पकड़ने ही नहीं देगा जी वहाँ भी जलील करेंगे बिठा बिठा के

घनी शोचन वाली बात है आप किसी भी गांव का सर्वे करवा लो अगर एक गांव में बीस रंडे हैं तो एक आध को छोड़ के बाकी टोटल लछडी मिलेंगे आपको किसी भी नशे का लागू चाहिए वो एक आध को छोड़ अगर और ज़्यादा लोग आपकी इस यूनियन तक जुड़ेंगे तो कि आप और सहायता मिलेगी सरकार तक दबाव डालने में उस मुद्दा पे कुछ सॉल्यूशन लेकर में दबाव तो है जी कम से कम आप ये मान लो पाँच लाख फ्रेशर हैं मतलब अनमेरिड हैं चलो डेढ़ दो पौने दो लाख आप जिसने रान डेगा हो मतलब जिसकी गराड़ी गुजर गया आजकल ये लिव इन रिलेशनशिप सबसे खतरनाक है मतलब बच्चों को छोड़ के चली जाती है फिर वही तो समस्या तो यही है नहीं हम एकजुट कैसे हों एकजुट से पहले ही हम दोनों तो से की तरफ चले जाते हैं नहीं वो मतलब इतना इन भावना पैदा हो जत्ती के अंदर नहीं हो सकते बहुत मुश्किल है बहुत मतलब नसाई भगवान है नसाई सब कुछ है सही बात और ये तो है ये मतलब जैसे भाई ने बताया अब कोई भी आप सारे दिन रील देखो और कोई काम नहीं है वो वैसे ही खून जलाना उन्होंने मारा सारा दिन रंजरा रखो सारा दिन एक तो मारती क्योंकि यार हमने मामने भीतन सोना वो है देख लो आप रील किसी भी सारे दिन को और कोई जिकरा नहीं किसी का ना है नहीं मारागा खातर कुछ कर दो यार है बेचारे दुखी हो इतने रील बना दी इन्फ्लुएंसर बन गए फर्क तो है लुगाई को फिर और तकलीफ हो है चल आदमी तो कह ले <laughs> सारे क्यों है लाखों लोग क्यों है जी मतलब मिले तो है सारे सामने ठेक कर मिलेंगे बतावा तो गए भाई चल ठीक है अगला हर कोई चाहे हमारा भी, भी कुछ भी होगा कुछ तो होगा ये बेचारे पिंदे हमारी तो पेंशन को नहीं आई पेंशन तो अभी सरकार ने देनी है समस्या तो यहाँ है वैसे वीरेंद्र जी आप इस यूनियन का नाम बैचलर यूनियन भी तो टेक सको थी मतलब हम दो उसमें काम करते हैं जी एक अनमेरिड एकता मंच

सारी समाज का दर्द है यू अरे एक और बात सुनो सबसे बड़ी जो लड़ाई है ये जो तीन भाई हैं दो भाई हैं वो लड़ रहे हैं किसी को घर नहीं दे रहा है उसको एक सिंगल बंदा को कह रहा है तेरा क्या अब उसको बगा रहे हैं जमीन नहीं दे रहा कोई कितना धक्का कितना धक्का हो रहा है तू के करेगा झूठे साइन कर करके नाम करवा रहे हैं बताओ इतना भी नहीं होना चाहिए नहीं तो नए लोग आप तो कुकर इस यूनियन तो कुकर जुड़ सके बहुत समस्या है तो किशन जोड़ लो लिया वो, बुला लो ठीक है सिस्टम ऐसा हो गया उस कैमरा में देख आप जितने भी रांडे हैं जितने भी रांडे सुनने लाग रहे हैं देखने लाग रहे हैं जुड़ो और आवाज उठाओ क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम कोई छोटी कोनी आपकी, नौ, आपकी नौकरी का सवाल है आपकी जमीन का सवाल है आपकी फैमिली का सवाल है आपका भविष्य का सवाल है है मेला जी तो मेरे ख्याल था आपने उस कैमरा में देख के आपने जो देखन ला हैं, खास कर क्या लिया जी, सबती कैन ला रहे हैं खासकर कह लगा रहे भाई सारे रंडे भाई जुड़ो भाई अपनी आवाज उठाओ भाई एकजुट हो ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਲੇ ਬੋਟ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਾ ਹੈ ਮੁਸਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਮ ਆਇਆ ਆ ਜੀ ਮੈਨ ਨਾ ਪਕੜ ਲਿਓ ਜੀ ਬਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਕ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਸੁਨੇਗਾ ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੋਨੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਟ ਕੇਡਨ ਕੋਨ ਜਾਣਦੇ ਸਕੂਲ ਮਾਂ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੰਮ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰੋਕ ਲੇ ਭਾਈ ਨਾ ਯਾਰ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਗਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਗਾ ਦੀ ਕੜਾ ਹੋ ਜਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਮਾਮਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਗੀ ਤਾਂ ਮਾਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੁਕਰੀ ਇਹ ਚੋਰਾ ਨੇ ਚਲਾਵਾ ਭਈ ਇੱਕ

ਡੰਡਾਪੁਰ ਮੁਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਢੰਡਾਪੁਰ ਮੁਖ ਬਣਾਵੇ ਹੈ 16 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਲੇਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਨੂੰ ਸੁਣਾਗਾ ਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ ਔਰ ਕੁਮ ਡਾਕ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋ ਰਸਤਾ ਹੋ ਆਦਮੀ ਖਤਰੇ ਯਾਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਬੇਸਰਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਕੋਈ ਸੜਾ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੋ ਭਾਈ ਇਤਨਾ ਮਤੋਂ ਰਾਂਡਾ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਵਾਏ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈ ਫਿਰ ਨੂੰ ਤੋ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਾਰੇ ਪੜੇ ਕੜੇ ਕੜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਬੱਠਿਆਂ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਕੁਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ

जायज हक बनाया है ठीक है हमारी कोई मांग को नहीं है कुछ नहीं कर सकते चोर मारा हमारा कम से कम एक सर्वे तो करवा दो एक आयोग तो बनवा दो एक आयोग बना के हमारे गांव टू गांव इकट्ठा करके दे दो इतना तो हमारा है सही बात है ये तो कोई बुरी बात नहीं है कोई बुरी बात ठीक है है हर तो के आयोग बने हुए अब तो तो गौ सेवा आयोग भी बनाया सरकार एक आयोग जो है एक आयोग तो बनना चाहिए हमारी सबसे पहली ये डिमांड है की मतलब पूरा होनी चाहिए कुछ ना कुछ जुड़े हाँ तो भाई साहब हर गाँव हर हल्का में अठ आठ दस हजार हमारे दस दस हजार बोट एक हल्का में उसमे इतनेडे चलो पचपा मैं तो को कोई गांव में आकर सर्वे करो यार देखो तो चलो आप डाटा गुराना गांव में चलो शीशा में चलो मुसुदपुर में पिटवर खंड में चलो देखो क्या हाल है सच्चाई का तो आपका तभी पता लगेगा नहीं आपको जब फील्ड में जाओगे hmm. आप गए हो जब भी तो आप बताओ हाँ क्यों? बिल्कुल समस्या तो दे है मेरे भाई मुश्न दे दो आओगे दोनों ऊन तिगड़े तो फिर उन्होंने दो यार दुआर तारा जुलूस राजू दे देंगे और कर देंगे yeah. टिक्के लुआ देंगे कौन मेरा मजाक आप बताओ इसी कोई बात नहीं होगी उन तो बताओ इसी कोई बात को सब बताया तो लिया इसी इसी नहीं। नहीं। समाधान हाँ, की घोषणा मिलाएगी रसोई का खर्चा मिला सब कुछ मिलेगा तो फिर एकता तो, तो भाई रहा जस्टिस होनी चाहिए सर बिल्कुल होनी चाहिए एक बात मैं मजदूर हूँ कोई भी मजदूर है एक हरियाणा में एक स्कीम चलती है मतलब मजदूर यूनियन है उसकी एक कॉपी बनती है मदरेगा एक कॉपी बनती है ठीक है मेरी उसकी मजदूरी की कॉपी बन गई सरकार स्कीम देती, का खर्चा देती है मजदूर को लुगाई ने सब कुछ लुगाई ने मिला, हमने कुछ ने मिला है सिलेंडर मिलेगा वो ने मिलेगा रसोई का खर्चा मिलेगा वो लुगाई ने मिलेगा किसी की भी रिजर्वेशन कर दिया और तो ना के उस चीज़ का नहीं मेरी बात तो सुनो उसका ਉਸਕੋ ਹਨੀ ਹਰ ਮਿੰਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋ ਯਾਰ ਇਹ ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਂਦਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਪੀ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਤਾ ਵੀ ਲੁਗਾਈਨ ਤੋਂ ਹਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮਾਰ ਮਾਰਾ ਉਹ ਖੁਸ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰਤੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਤੋ ਅੱਖ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਉਂਗੇ ਤੋ ਲੁਗਾਈਨ ਦੇਉਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਗਾਮ ਮਮ ਲੋਨ ਚੱਲ ਲਗ ਰਿਹਾ ਸੋਮ ਸਾਇਤਾ ਸਮੂ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਹਰ ਲੁਗਾਈ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੀ ਮਮ ਕਿਆ ਕਿ ਲੋ ਕਿਆ ਲੋਨ ਲੈਵਾ ਦੱਕਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਕੋਂ ਰਹੀ ਇਹ ਮਾਰਾ ਵੀ ਤੋ ਅੱਖ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਮ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਗੇ है वो समूह जो चलते हैं वो आठ आठ दस दस औरतों के समूह बनाते हैं एक समूह की प्रमुख होती है और उसके बाद अपने घर की रिक्वायरमेंट के अनुसार लाख पचास हजार सबसे बड़ी बेशर्मी आए तो है इस हरियाणा का मुख्यमंत्री जो सिंगल है किसी आदमी इतनी सारी दुनिया आ रोलिया प्रेस आ गए मीडिया आ गए नेता गए मंत्री आ गए किसी को उस बेशरम की बन के की कूकर बढ़गी मारी बन दी वो जिसने स्कीम लागू करी नहीं। ये बहुत बड़ी बात तारा मैं किसी दम नहीं सुन का जिस आदमी ने उसको सलाह दी कि हम एक फैमिली आई डी बनावास चीज की बनेगी बात है फिर वो तो मुख्यमंत्री ने भी सोचना चाहिए कर तो किसी चीज की सलाह दे देगा उसने सोची बात भाई जिस बंदे के फैमिली ही नहीं तो उसकी आईडी कैसे बनेगी कुछ नहीं चल कुछ मिलेगा नहीं ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਣ ਦੋ ਕਿ ਜੱਬੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਤੀ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿਆ ਨਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾ ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਗਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਰਟ ਸੁਣਦੀ ਨਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਆਇਓ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ ਜਿਸ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਆਈਡੀ ਕੁਕਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਖੱਟਰ ਕੀ ਕੁਕਰ ਬਣ ਗਈ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕੀ ਕੁਕਰ ਬਣ ਗਈ ਮਾਰੇ ਕਾ ਤਾਂ ਕੋਣ ਬਣਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਾ ਬਣਾ ਨੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹੰਗਾਲੀ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਬਣਾਣ ਦਾ ਰੇਗਾਮਾ ਵੀ ਬਣਗਾ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ उन सबको भी इस बात पर गौर करना चाहिए और इस दर्द को महसूस करना चाहिए जो वीरेंद्र भाई सिर्फ आवेश माँ के नहीं बोल रहे दिल की आत्मा की बात बोल रहे सही बात तो हमारे समाज ने भी इस बारे में सोचना चाहिए सरकार पता नहीं कब सोचेगी हमारी जो पहली सरकार है वो हमारा समाज ही होता है हर छोटा बड़ा फैसला और आज हरियाणा के अंदर विशेषकर बताऊँ आपने जो हज़ारों लाखों मुकदमे कोर्ट में जाने चाहिए थे वो कोर्ट में नहीं गए पंचायत में छुड़ जाते हैं बहुत से मामले हैं तलाक तक के मुकदमे पंचायतों में आज भी सुलझते हैं लड़ाई झगड़ा तीन सौ सात लगा कि ऋषि भाई मार दिया सिर फूट गया पंचायत में समझौता होता है जब जो जो जिसको कोर्ट ने सुलझाना चाहिए कानून ने सुलझाना चाहिए अगर वही फैसले आ, अगर हमारी पंचायत कर सकती है तो ये फैसला भी तो हमारी पंचायत ले सकती है कि इनको इज्जत की नज़र से देखना चाहिए इनको समाज का हिस्सा मानना चाहिए और जबकि ऊपर त लेके नीचे तक अब तो मैं बोलूंगा तो वो मेरे पीछे पड़े वैसे तो है कुछ है आप, है। मारे आप वो है कुछ, लेकिन लेकिन आप। कुछ एक नहीं पीछे से लेकर स्टेट तक नहीं मैं आपको बताता हूँ ठीक है बरुआड़ा है इस जिले में ही है ठीक है वहां एक डकैत डॉक्टर है डॉक्टर अंतराम बरुआड़ा नाम उसका ठीक है ठीक है वो सारे दिन बुढ़ने तय करता है शाम को सत्संग करता है यो आप, आप नाम रिवील करने रहे हो किसी का मतलब, भी मतलब आपने कल ने का, कोई परेशानी तो कोई बात नहीं इस तरफ तो ज्यादा परेशानी और के देश का ही है सच बोलूं जी मैं मैं अपने एफ आई कॉपी दूंगा मेरे पास सारे एफ आई कॉपी हैं तो उन पर कोई अभी तक एक्शन ना लिया गया क्या एक्शन जे जेपी का नेता है वो इसार लोकसभा क्षेत्र से नैना चौटाला डिप्टी सी एम लड़ रही है ठीक है वो तो एक लेडीज़ है लुगाई है नारी है वो तो समझ सके इस पीढ़ा ने उसने आपका बुरवाड़ा में दफ्तर उसका उस कतलखाना में खोल रखा है एक माँ ओके भी वह उस कतलखाना में आपका ऑफिस खोल के बैठी है हर सरकार क्या कर उस तीन महीने पहला भी एक प्रचा जो है उसके ऊपर मोबाइल वैन है मोबाइल वैन मैं उस परचा के उस पर ही बता रहा हूँ सारी बातें आपको मैं तो कभी देखा ही नहीं कौन बंदा है सारा समाज सारी दुनिया का उस मतलब सारे रंडे कहो उसने मैं रंडा कह भी हो पे बात कर रहा हूँ हाकि ये कत्ल में लड़कियाँ मारता है उसकी मेरे पास एक एफ आई कॉपी भी अभी अभी हर चौथे पाँच में दस, दस पंद्रह दिन में एक छापा अगर लगता लगातार इस टाइप के केसेज आते हैं रोज में आप सोशल मीडिया पर देखते हो अखबार में पढ़ते हो तो ये बंद तो, बंद नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ भाई मैंने है नर टी आई हो रही मैंने एक आर टी आई लगाई थी जिस दिन मोदी साहब ने हरियाणा में सबसे बड़ा मतलब वो एक पाखंड करने का प्रयास किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है 2014 में या तेरह में चौदह में किया होगा चौदह से चौबीस तक का हमारे को डाटा दे दो वह कितनी पूर्णत्याएँ हुई ठीक है उन जो पूर्णत्याएँ हुई उनका केसों का स्टेटस बता दो हमारे को क्या है एक भी बंदे को सजा नहीं मिली होगी एक भी बंदे को कौन कर रहा है सेटिंग स्टेटस बताने में तो कोई दिक्कत नहीं कोई नहीं बताएगा आपको स्वास्थ्य विभाग में जाएगा कहीं पुलिस के पास जाओ पुलिस के पास जाओ डीजीपी के पास जाओ डीजीपी के पास दूसरे महकमे के पास जाओ कोई डाटा नहीं देगा या तो उनके ऊपर इतने लोगों को इन्होंने जेल में डाला रोज़ खबर छपती है भाई आज वो पकड़ा गया आज वो पकड़ा गया फिर वो ऐसे ही छूट जाते हैं किसी को तो सजा हुई होगी किसी का तो उस केस का कोई तो स्टेटस होएगा सरकार को सोचना नहीं चाहिए जो भी स्वास्थ्य मंत्री है और जो भी समाज कल्याण मंत्री या मानवता का मंत्री है जो इंसानियत का मंत्री है, उसने ये देखो नहीं सुधरेगा इलेक्शन इलेक्शन के टाइम राजनीतिक पार्टियां नारा देती है और ये हमारे चुनाव का एक हिस्सा है हर पार्टी अपना कोई ना कोई मतलब वो स्लोगन लाती है निकाल के वो इलेक्शन तक सीमित है इलेक्शन जीत गया उसके बाद नारे क्यों दे रहे हो आप काम करो ना यार सही बात फिर तो कर दो फिर नारे क्यों लगा रहे हो आपने राज में आने के लिए सत्ता में आने के लिए स्लोगन दिए हमको नारे दिए हमने बोल दिए देश ने मान लिए आपको एक्सेप्ट कर लिया आपको सत्ता पकड़ा दी स्टेट की पकड़ा दी सेंटर की पकड़ा दी ये नहीं कि इन्हीं को पकड़ा दी पहले भी तो पकड़ाई किसी और को उन्होंने कौन सा रोक लिया तो वीरेंद्र जी आपने जो अपील करी है आपने जो बात भारत <coughs> बताई है जो व्यूअर्स तक पहुंची है वो उनमें पूरी सेंस है पूरा उनका मतलब बने है असली मुद्दा है और उम्मीद करा कि भाई आप आज सब तक पहुंचे वह आपकी यूनियन तो और जुड़े मुद्दा ना आगे लेकर जाए और इसका अपन समाधान मिले ताकि अपने आगे आने वाली जनरेशन जो है वो उस तरह ना जूझ और इससे डाल की एक जो स्टेज है आपने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है रांडा रामफल रांडा रामफल तो उस फिल्म में भी वो दर्शाया गया है कि भाई कुकर जो है एक एक रांडा आदमी की जीवन में वो बेचारा कुकर तकलीफें तक गिरा रहे कुकर लोग उसने कोसते रहे हैं कुकर आम जिंदगी में उसने कितनी तकलीफे का सामना करना पड़े तो आपने जब टाइम मिले तो वह फिल्म देखियो जी जी, जी जरूर जरूर तो खुद स्टेज ऐप से जुड़ा हुआ हाँ जी बिल्कुल मेरी एक सीरीज आ भी चुकी है उसमें बिल्कुल, बिल्कुल तो सभी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा देखें शेयर करें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें और स्टेज ऐप से जुड़े एक रंडा आदमी की जिंदगी में कितनी तकलीफ है अगर वीरेंद्र भाई के कहने से समझ में नहीं, नहीं आई तो आप रंडा जब देखोगे तब आपके समझ में हाँ, आपने जब, जब वो स्क्रीन प्ले उतना दिखा गया अरे आपने देखा होगा आसपास जरूर देखे होंगे इसे तो भाई वो फिल्म देखो और बेरा पाड़ो ये प्रॉब्लम जो है ना खाली ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है सही बात ये सर मजाक के पात्र नहीं है भाई सही बात और मैं उम्मीद करूँ वीरेंद्र जी की आपकी आवाज जो है जितने भी देखने लाग रहे हैं सी ऑन ए सीरियस नोट उन तक आवाज पहुंचे और वो आप तक तो जुड़ने की कोशिश करे। बिल्कुल जी करें धन्यवाद स्टेज ऐप भाई हमारी आवाज में हमारा साथ दिया भी भाई भी भी साथ हम भी खड़े है समाज में बहुत सी समस्या होती है कोई भी सामाजिक समस्या है अगर उसको यूनिटी बना के अगर उसको उठाते हैं एक स्तर पे हाँ। तो मैं तो ऐसे मामलों में हमेशा तैयार सही बात एक जो वीरेंद्र का दर्द है एक रांडा आदमी का जितना दर्द है सारा का सारा अपने उसका, तो फिल्म हाँ, स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा अपने नजर आ जाएगा तो सपोर्ट करें राणा रामफड़ को बहुत बहुत धन्यवाद आपसे थैंक यू भाई राम पचास लाख हरियाणियों की पसंद डाउनलोड करें स्टेज जाए